ABPS News। नमस्कार, ABPS News के खास कार्यक्रम विधायक जी चले गांव की ओर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आगरा से विधायक भारतीय जनता पार्टी के जगन प्रसाद गर्ग जी। उनसे हम बात करेंगे कि गांव की मौलिक जरूरत क्या है और मौजूदा समय में गांव की स्थिति को वो कैसा मानते हैं। विधायक जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा सपना बुजुर्गों ने देखा था कि आज़ादी के बाद हमारा भारत ऐसा होगा, आपकी नज़र में इस समय भारत की स्थिति क्या है? देखिए, विगत 70 सालों में देहातों की स्थिति, गांव की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गांवों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अब वो प्रत्येक गांव के लिए सड़क बनाएंगे, प्रत्येक गांव में बिजली देंगे और उसमें अधिकांश काम हो भी चुका है। तब गांवों की स्थिति पहले से बेहतर होती जा रही। गांवों में शौचालय नहीं थे, शौचालय भी बनाए जा रहे हैं, गरीब लोगों को मकान भी दिए जा रहे हैं, गैस भी दी जा रही है। तो जैसे पहले लकड़ी पे या कंडे पर माता बहनों की आंखों में परेशानी आ जाती थी धुएँ की, वो अब नहीं होगी। तो अभी उन्होंने 5 करोड़ गैस कनेक्शन देने हैं, 2.5 करोड़ दे चुके हैं, 2.5 करोड़ और दे दिए जाएंगे। इस तरह और भी आगे विस्तार करेंगे उसमें। तो गांव की स्थिति पहले से अब बहुत जल्दी शीघ्र ही बेहतर होने वाली है। विधायक जी, जिस तरह से शौचालय बन रहे हैं, आवास बन रहे हैं, इसके लिए रेता और बालू की भी ज़रूरत पड़ती है। तो रेता और बालू के लिए सरकार ने अभी तक किसी पट्टे वगैरह का ऐसा इंतजाम नहीं किया है जहां से विकास कार्यों के लिए रेता बालू वगैरह लाया जा सके। देखा जाता है कि आ रहा है वो गांव के विकास कार्य में लगने के लिए और पुलिस उसे रोक लेती है। देखिए, पुलिस को पहले आदेश थे खनन रोकने के, अब खनन उसमें कुछ सुधार किया गया, कुछ उसमें छूट दी गई है। तो अब वो दिक्कतें पहले जैसे दिक्कतें थी वो नहीं आएंगी। अब 1 नंबर बाकायदा खनन होगा और लाई जाएंगी, वो पुलिस द्वारा फिर नहीं पकड़ी जाएंगी। गांव की अगर हम विधायक जी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लॉक उसका केंद्र बिंदु होता है, तो ग्राम पंचायतों में सचिव की जो स्थिति है इस समय यह है कि वैसे तो कानूनन एक गांव पर एक सचिव होना चाहिए, लेकिन सचिव इतने कम हैं कि एक ही सचिव 10-10, 12-12 गाँव का चार्ज संभाले हुए है। ये वास्तव में कमी है, ज़्यादा उनकी कर्मचारियों की अधिकारियों की संख्या बढ़ानी चाहिए। और हम इस बात को, विधानसभा शुरू होने वाली है कल से, तो हम इसमें इस बात को भी रखेंगे। बहुत सी जगह विधायक जी हमारे लोग जा रहे हैं गांव में, गांव की स्थिति का हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, वहां के लोगों से बातचीत करते हैं कि आपके गांव को किस तरह की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। कई जगह पर हमने देखा कि अस्पताल काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है लेकिन वहाँ पर डॉक्टर या फार्मेसिस्ट कोई नहीं पहुँच पाया, वो सफ़ेद हाथी की तरह खड़े हैं। देखिए, आपकी बात सही है। मेरा जो जन्म है या निकास है गांव से, देहात से है। मैं गांव सरहंदी का, जो खेरागढ़ तहसील में आता आगरा में, उससे पैदाइश है मेरी। लेकिन जब भी मैं गांव जाता हूं देखता हूं कि गांव में अस्पताल तो हैं लेकिन उनमें दवाई की कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी। और गांव के डॉक्टरों ने हमसे खुद कहा था कि आप हमारी शिकायत लिख के भेजिए कि दवाई की कमी है और डॉक्टरों की कमी है। तो हमने वो शिकायत लिख के भेजिए, तो वो शिकायत पर हमारी पर कार्रवाई हुई है, हमारे डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है और दवाई भी अब मिलने लगी है। इसी तरह से स्कूलों की भी देखने में आता है कि वहाँ शिक्षकों की बड़ी कमी है और जो किसान व्यक्ति होता है वो पब्लिक स्कूल में या किसी बड़े स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वहाँ एक तो फीस इतनी ज़्यादा होती है, ऊपर से किताबों का बोझ, ड्रेस भी कई कई तरह की होती हैं और आमतौर पर कभी भी फीस बढ़ा दी जाती है। तो सरकारी स्कूलों में टीचरों की नियुक्ति के लिए सरकार क्या कदम उठाने वाली है? देखिए, मैं प्राइमरी पाठशाला सरहंदी का पढ़ा हुआ हूँ, गांव का पढ़ा हुआ हूँ। पहले टीचर भी बहुत होते थे, बिल्डिंग भी नई बनी थी उस समय, और शिक्षक बहुत अच्छी तरह पढ़ाते थे, अपने परिवार के बच्चे की तरह पढ़ाते थे। मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है, पहले ट्यूशन प्रथा नहीं थी, रात को हमारी पढ़ाई होती थी एग्ज़ाम के समय में। और जो शिक्षक थे बहुत मेहनत करते थे और हम बदले में 1 रुपया भी नहीं लेते थे, बल्कि हम पास होने के बाद उनको गेहूँ के रूप में या किसी के रूप में उनको कुछ पुरस्कार दे आते थे। लेकिन वो पहले कोई डिमांड नहीं थी और बड़े अच्छे पढ़ाते थे, बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी। अच्छा, आप अपनी विधानसभा के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए जो आपने विकास के कार्य कराए हों। देखिए, मैंने फिलहाल वहाँ पर 2 स्कूल गोद लिए हुए हैं, एक तो सौट की मंडी मध्य कटा के जो पास ही है मेरे उसके क्षेत्र के पास, और एक है विजयनगर कॉलोनी
प्राइमरी पाठशाला, दो के लिए मैं मेरे पे 20 सफाई कर्मचारी हैं विगत 14 साल से, जिसको मैं खुद अपने पास से पेमेंट करता हूँ। तो उस लोगों की सफाई का ध्यान रखता हूँ, पेड़ पौधों का ध्यान रखता हूँ, लाइट का ध्यान रखता हूँ, और भी बहुत विशेष तरह की चिंता करता हूँ। बल्कि अब तो मैं ये भी करने वाला हूँ, गोद का मतलब जो ये फीस ड्रेस किताब कॉपी जो सरकार दे रही है, हम दो संस्थाएँ मिलकर उसको अलग अलग गोद ले लेंगे। जैसे बहुत से तो वहाँ पर संयुक्त परिवार है, लायंस क्लब है, लॉटरी क्लब है, और भी बहुत सी संस्थाएँ, बहुत से उद्योगपति हैं। मैंने एक दो को प्रेरित किया है, दो तीन स्कूल मैंने अभी गोद दिलवाए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके या प्राइमरी पाठशाला के जो वो हैं मंत्री अनुपमा जायसवाल, उनसे बात करके इन स्कूलों को गोद दिलवाऊंगा। तो ये अब जो सरकार से पैसा जाता है फीस के लिए, ड्रेस के लिए और खाने के लिए, हम उनको नीचे स्तर पर करा देंगे। सरकार पर उसका खर्चा नहीं आएगा, उनको ताज़ी चीज़ मिलेगी, कपड़े भी बिल्कुल सही तरह से नपे तुले नाप से बनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है भेज दिए या जूते छोटे बड़े भेज दिए, हम उनके नाप के जूते उनको देंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे। सरकार पे एक रुपए का खर्चा नहीं आएगा, केवल सरकार की बिल्डिंग होगी, उसकी मरम्मत भी प्राइवेट संस्थाएं कराएंगी, और जो टीचर देगी केवल, और टीचरों की कमी नहीं है। मैं आपको बता दूं, टीचर बहुत हैं, बच्चे नहीं हैं, क्योंकि बिल्डिंग सही नहीं है और पढ़ाई सही नहीं है, वहाँ पर फर्नीचर नहीं है, तो इसलिए बच्चे कम आते हैं, लेकिन टीचर तो बहुत हैं और घर बैठे तनख्वाह जा रही है उनकी। जैसे सरकार ने 14वां वित्त लागू किया है, ये काफ़ी अच्छा माना जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इससे खुश भी बहुत हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे बीडीसी मेंबर हुए, ग्राम प्रधान या सरपंच हुए, उनका ये कहना है कि ब्लॉक में 14वें वित्त का हिसाब किताब रखने के लिए किसी व्यक्ति की तैनाती नहीं की गई है, वो सारा कुछ प्राइवेट रूप में करवाया जा रहा है। मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ऐसा है तो गलत है, किसी की जानकारी होनी चाहिए, ऊपर कोई उनका हिसाब किताब रखने वाला जरूर होना चाहिए, वरना तो धन का दुरुपयोग होगा, वो अच्छी बात नहीं है। विधायक जी, आपकी तरफ से सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्याओं से अवगत कराया जाएगा, उनमें मुख्य समस्याएं क्या होंगी? देखिए, स्कूल मैं समझता हूँ आज से लगभग 50 साल पहले बने थे, नई बिल्डिंग आई थी उस समय, और नया फर्नीचर भी डाला था, मुझे बहुत अच्छी तरह ध्यान है। मैं तो एक क्लास से लेकर पाँचवीं क्लास तक प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, अनुशासन था और खेलकूद भी होते थे, सब चीज़ों की व्यवस्था थी। और जो ऊपर से आते थे, उनका नाम मैं भूला हूँ, तो उनकी चेकिंग करने आते टीचरों की, तो कई बार चेकिंग होती थी, तो पढ़ाई जब वो हाँ व्यवस्थित हो जाता था, और पहले से अलर्ट रहते थे। और वास्तव में बच्चे, मैं क्या बताऊँ, मुझे उन दिनों की बहुत याद आती है, उस समय के टीचरों की भी याद आती है, वो कितने मन से पढ़ाते थे। आज वो भावना थोड़ी सी कम हुई है, पता नहीं क्यों है, ये नैतिक शिक्षा की कमी है, ये भी दूर होना चाहिए। और शिक्षा को वेतन भी अच्छा मिला, उस समय तो इतना वेतन भी नहीं था, तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब कड़ाई होनी चाहिए पूरा, जब हम वेतन पूरा दे रहे हैं, एक एक टीचर को 30,000 से लेकर 50,000 तक का वेतन है प्राइमरी पाठशाला को, तो अच्छा। और काफ़ी छुट्टियाँ हो जाती हैं उसके बाद भी, जितना समय उसमें पढ़ाते नहीं है, तो मुझे बहुत गलत बात है। इसकी ओर भी सरकार का ध्यान हमने आकर्षित किया है, और करेंगे और पूरा ध्यान देंगे। एक पंचायती राज कानून में एक व्यवस्था यह है कि मान लीजिए किसी जनप्रतिनिधि की, जैसे प्रधान या सरपंच या बीडीसी मेंबर, किसी की भी अगर शिकायत की जाएगी तो वो एक शपथ पत्र के द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन राजनीति गांव की इस कदर हावी हो चुकी है कि एक सादा कागज पर भी कोई शिकायत कर देता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। मैं खुद बहुत भुगत होगी इस बात का, आप सही कह रहे हो। आज से 7 साल पहले मैंने कोई मकान बनाया था, तो एक किसी व्यक्ति ने वहाँ दे दिया कि इन्होंने बिल्डिंग गलत बनाई है और जांच की जाए, उसका सही नाम भी नहीं था, सही पता भी नहीं था, फ़ोन नंबर भी नहीं था, जांच हो गई, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। और उसके बाद कार्रवाई भी क्या करेंगे जब उसका सही नाम पता और फ़ोन नंबर ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वैसे कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसकी जो शिकायत करता है, उसकी अगर शिकायत गलत है तो उसके खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब विधानसभा के सत्र में आपकी क्या तैयारी है देहात क्षेत्र को लेकर? देखिए, मेरे क्षेत्र में देहात तो बहुत कम है, लेकिन जो भी है वो मैं उसकी विशेष चिंता करता हूँ। मैंने वहाँ की सड़कें बनवाई हैं, उनमें सबमर्सिबल दिए, हैंडपम्प दिए हैं, और भी जो परेशानी है साफ सफाई का विशेष ध्यान रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने अभी शुरू किया है, लेकिन मुझे तो पहले से पता नहीं क्यों गंदगी से नफरत थी। और मैं विगत 14 साल से अपने वेतन से सफाई अभियान चलाता हूँ,
पहले मैं 50,000 का वेतन देता था 10 से 14 साल पहले, आज करीब उनको 1.5 लाख रुपया वेतन जा रहा है। लेकिन मुझे खुशी होती है और अच्छा लगता है, मुझे संतोष मिलता है। तो मैं अपनी संतुष्टि के लिए ये कार्य कर रहा हूँ, किसी दिखावे के लिए नहीं करता हूँ। मैंने कभी आज तक इसकी फोटोग्राफी नहीं कराई है, ना मैं चाहता हूँ। अच्छा, देहात क्षेत्र के लिए बिजली की भी एक समस्या बड़ी बहुत विकट समस्या मालूम पड़ती है कि इसकी वजह से सिंचाई तो प्रभावित होती है, साथ साथ पथ प्रकाश का मामला भी काफ़ी अगर देखा जाए तो देहात में जरूरी भी हो गया है, जैसे अपराध देहात क्षेत्र में हो रहे हैं। तो देहात के लिए बिजली की क्या व्यवस्था सरकार आगे करने वाली है, या आपकी तरफ से कोई सुझाव हो सरकार के लिए? देखिए, मैं विगत लगभग जब से 2012 में सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, तब से मैं बताना चाहता हूँ आपको, बिजली की दशा में बहुत सुधार हुआ है। प्रत्येक गांव में बिजली जा रही है और मीटर के भी अब पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, फ्री में उसका कनेक्शन दिया जा रहा है। बिल जो लिया जाएगा वो बहुत कम लिया जाएगा और सबको देने का, शहर में भी और देहात में भी बिल्कुल कह दिया कि जो गरीब लोग हैं जिन पर पैसे नहीं देने के लिए, उनको आप फ्री कनेक्शन दो। कनेक्शन हाँ, लाइट तो के पैसे लिए जाएंगे, कनेक्शन फ्री दिया जा रहा है और खूब उसका प्रचार भी किया जा रहा है और हमने कैंप लगा के दिलवाए। अच्छा, जैसे सिंचाई का एक मामला पहले काफ़ी टाइम, अब तक भी है कुछ गांवों में, सरकारी ट्यूबवेल होते थे, लेकिन सरकारी ट्यूबवेल मतलब इनका विभाग होते हुए भी बहुत सारे ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं। इस तरफ सरकार का ध्यान शायद नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से सिंचाई भी देहात क्षेत्र में प्रभावित हो रही है। क्या नए ट्यूबवेल लगाने और पुरानों को रिपेयर करने के लिए भी कोई निर्देश सरकार की तरफ से? ये तो शुरू से ही चला रहा है, निर्देश है, लेकिन उसका पालन कराने की बात है, उसका पालन होना चाहिए, पालन नहीं कर पा रहे। ट्यूबवेल खराब हो जाते हैं, वो सही तरह से दुरुस्त हो, ठीक करा जाए समय से, उसमें थोड़ी दिक्कत है, उस पर कड़ाई की जाएगी तो वो भी सही हो सकता है। ग्राम पंचायतों को लेकर और क्या आपकी तरफ से कोई संदेश हो सरकार और हमारे किसान भाइयों के लिए? देखिए, मैं तो समझता हूँ ये जो वर्तमान सरकार, चाहे केंद्र की सरकार चाहे प्रदेश की सरकार, किसान के लिए इस समय बहुत काम कर रही है। जो भी किसानों को परेशानी होगी उसको दूर किया जाएगा। किसानों की जो भी लागत लगेगी खेत में, अगर 100 रुपये लगती है तो 150 रुपये उसकी उपज का पैसा बाज़ार में भाव रखा जाएगा, सरकार खरीदेगी, उसको 1.5 गुना भाव दिलवाएगी, जिससे उनको नुकसान नहीं हो, उनका जीवन भी सही हो, उनके भी बच्चे पढ़ने लिखने के लिए जा सके स्कूल में, वो भी बिल्कुल जैसे उद्योगपति हैं जिनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं आती, तो ऐसे किसानों को भी पैसे के लिए धनाभाव के कारण उनकी चिकित्सा में या उनकी शिक्षा में या उनके खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस समय समाजवादी पार्टी आलू आलू करके एक आंदोलन कर रही है, तो इसे भाजपा किस मतलब एंगल से ले रही है? देखिए, हमने मुख्यमंत्री जी भी मांग की है, केंद्र सरकार से भी मांग की है और जगह भी हम मांग करेंगे कृषि मंत्री से, कि हमारे ज़्यादा आगरा में आलू बहुत होता है, तो हम आलू किसानों से भी निवेदन कर रहे हैं कोई और भी फसल करें जिसमें 2 पैसे ज़्यादा मिले। तो और दूसरा, यहाँ आगरे में चिप्स की बड़ी फैक्ट्री कोई लगे जिससे वहाँ का आलू की खपत हो, और सुनते हैं कुछ बियर या शराब में भी कुछ आलू की खपत हो जाती है, तो उसके भी वहाँ कारखाने डालें तो किसानों की दशा बहुत अच्छी हो जाएगी, आलू किसान सुखी रहेंगे, ऐसा करना चाहिए और ऐसे प्रयास शुरू हो गए हैं, इस पर बहुत जल्दी ही निर्णय होने वाला है। आपके आगरा, अलीगढ़, हाथरस, ये आसपास के जो जनपद हैं, यहाँ पे कोल्ड स्टोर बहुत सारे हैं, तो उन कोल्ड स्टोरों में इस समय आलू की स्थिति क्या है? नहीं, कोल्ड स्टोर से आलू भर जाते हैं, आलू से आलू आना शुरू हो गया। मैंने अभी कल परसों में जब आगरे से आया था तो मैंने ट्रक कोल्ड स्टोर में जाते हुए देखे, शुरुआत हो गई है और मैं समझता हूँ 15 मार्च तक बहुत आलू कोल्ड स्टोर में पहुँच जाएगा। बस किसानों से यही निवेदन है कि थोड़े ऐसी भी, अब जो हो गया सो हो गया है, लेकिन आगे से कुछ फसल ऐसी भी करें जिसमें 2 पैसे की आमदनी ज़्यादा हो और केवल आलू के लिए ज़्यादा ध्यान नहीं दें, और फसलों का भी उगाई करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हमारे कार्यक्रम में आज गर्ग साहब आए और उन्होंने अपनी बात बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़ी सरलता के साथ रखी और किसानों को सहयोग भी देने की बात उन्होंने कही है। अब विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, तो हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि हमारे भाजपा विधायक जो आज हमारे कैमरे के सामने किसानों के दर्द के प्रति काफ़ी जागरूक लगे, उनकी बातों को विधानसभा में उठाएंगे। ABPS न्यूज़ के लिए अजय प्रताप सिंह, लखनऊ।